एवरीवन, वेलकम टू बाय स्टॉक रिसर्च। मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड द डेली एनालिसिस इज हियर। सो आज का जो ये मूव है, ये बेसिकली आप कह सकते हैं दिस इज़ मोर ऑफ अ ट्रैप मूव, जिसका काम क्या था, जितने भी इम्पेशेंट बायर्स हैं या फिर लेट बायर्स हैं जो रैली में जिन्होंने एंटर किया है, उन लोगों को हटाना। ठीक है, इस मूव के दो पहलू हो सकते हैं, दोनों समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को अपनी एंट्रीज बता देता हूँ कि मैंने क्या किया था आज। ठीक है, सो ये मेरा एक अकाउंट है जो मैंने आप लोगों के लिए किया है कि मैं इस अकाउंट में थोड़ा, जब हो सके मुझे एंट्रीज मिलेंगी, मैं पैसा कमाऊँगा, एंड देन एक टाइम के बाद जब इसमें 5-6 लाख रुपए हो जाएंगे तब मैं एक अच्छी सी वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, एंड आई विल एक्सप्लेन द प्रोसेस दैट हाउ आई कन्वर्टेड माई 3 लाख टू 6 लाख। ऑलराइट, अब पोजिशंस आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको लेना है। वैसे तो मैंने इसका शेयर किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं वहाँ जाके टेलीग्राम पे। ठीक है, अब सबसे पहले आप एक चीज़ समझें, आज के जो मूव में ना एक चीज़ हुई है कि अगर मैं इसको मार्क करूँ, ठीक है, दिस इज़ वॉट, दिस इज़ प्रीवियस डे हाई, क्लियर, एंड दिस इज़ वॉट प्रीवियस डे लो, ये तो क्लियर है। ठीक है जी, अब एक चीज़ आप समझो, मार्केट कहाँ से मूव कर रही है, मार्केट यहाँ से यहाँ से यहाँ आ चुकी है। ठीक है, इतना तो क्लियर है। अब जब मार्केट इतनी ज़्यादा ओवर एक्सटेंडेड है, मैं हर गैप अप को बैठ के पहली कैंडल पे बाय नहीं कर सकता, मुझे थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा, ये नॉर्मल सी चीज़ है। ठीक है, मेरा एम क्या होगा कि मुझे पुल बैक्स पे बाय करना है। मैंने ये चीज़ आपको पहले की वीडियोज़ में भी बताई हुई है कि जो मेरी मेन एंट्रीज होंगी वो पुल बैक्स पे होंगी। ठीक है, अब गेम क्या है, हम लोग यहाँ पर ओपन हुआ हमने। ठीक है, अगर मैं आप लोगों के लिए एक बार इसमें रेजिस्टेंस सपोर्ट भी लगा देता हूँ, पिविट्स जी, ये रहा। ठीक है, इसको ना मैं ज़रा चेंज कर देता हूँ यार, कलर चेंज कर देता हूँ उसका। अब ठीक है, ओके, नाउ अब यहाँ पर हमने ओपन किया, क्लियर है। ठीक है, मार्केट ऊपर भी गई, बट आप एक चीज़ नोट करिए, वॉल्यूम, मैंने वॉल्यूम वाली जो कोर्स की वॉल्यूम वाली वीडियोस में मैंने आपको समझाया है इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। जब मार्केट बहुत ज़्यादा, अब आप ये देख सकते हैं पूरी वी शेप रैली ली है इसने यहाँ पर। ठीक है, एंड पहली कैंडल ही आप देख लीजिए कैसी है, आधी बॉडी आधी विक, तो दिस इज़ नॉट कन्विंसिंग फॉर अ गुड कैंडल, दिस इज़ नॉट कन्विंसिंग। उसके बाद जो मूव्स भी हो रहे हैं वो हाफ हार्टेडली हो रहे हैं, मतलब मज़ेदार मूव्स नहीं है। तो उसका मतलब ये है कि वेट कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है, आँख बंद करके कोई ट्रेड नहीं लेना। ठीक है, अब जो मेरा बड़े वाला अकाउंट था वहाँ पर मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं पार्ट एंट्रीज लेता हूँ, बिकॉज साइज़ बहुत बड़ा होता है तो पार्ट एंट्रीज लेनी चाहिए। यहाँ पर इस अकाउंट में क्या होता है, मेरी एंट्री आई थी समवेयर एट दिस लेवल। ठीक है, अभी बताता हूँ क्यों। उस अकाउंट में मैंने एक एंट्री यहाँ ली है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एंट्री ली है जो मैंने इसमें ली है, उसके बाद यहाँ पर ली है। इसमें मैंने ज़्यादा उंगली नहीं की बिकॉज लिमिटेड अकाउंट है, मुझे ज़्यादा रिस्क नहीं करना। ठीक है, जितना मैं रिस्क की टेकिंग कैपेसिटी है उससे आगे एक्सीड नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि ये मैं एक अकाउंट आप लोगों के लिए दिखा रहा हूँ कि कैसे आप अपने अकाउंट को, यू नो, छोटे अकाउंट को बड़ा कर सकते हैं, तो बस एक ये आप लोगों के लिए है। ठीक है, नाउ अब जब ये ब्रेक हुआ था, इसका मतलब क्या है, देखो सीधी सी चीज़ है, एक अप ट्रेंड के अंदर जब मार्केट पहले 15-20 मिनट या आधे घंटे में, इवन आफ्टर गैप अप, अगर वी वैप के नीचे ट्रेड करना शुरू हो जाती है ना, ये ब्लू वाला वी वैप है, ठीक है, इसके नीचे अगर ट्रेड करना शुरू कर दे तो वो सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिव माना जाता है मार्केट के लिए, क्योंकि अच्छा खासा एडवांटेज था, सब कुछ था, वी शेप रिकवरी हुई थी, सारे के सारे सेलर्स की हालत टाइट कर दी, ठीक है, निगेट कर दिया इस मूव ने, गैप अप हुआ, सब कुछ एडवांटेज बायर्स के पास था, बट उसके बाद भी बायर्स फेल हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक स्क्रैच वाली एंट्री ली कि अगर कट जाएगा तो कोई टेंशन ही देखेंगे तब की तब। ठीक है, उसके बाद जो मेरी इस वाले अकाउंट में एंट्री हुई है जो मैंने अभी आपको दिखाया है, उसमें कैसी हुई है मैं आपको बताता हूँ। इस वाले अकाउंट में बेसिकली मिस हो गई थी मेरे से, ठीक है, क्योंकि मैं उसमें ध्यान दे रहा था, तो यहाँ मिस हो गई थी मेरे से कि मुझे यहाँ पर भी एंट्री लेनी है। अगर आप, मैं इस लो के, इस कैंडल का लो देखूँ, ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, फेलियर, ठीक है, तो इस फेलियर पे मैंने लॉट उठाया, जो मेरा मेन अकाउंट है उसके अंदर मैंने इसके ब्रेक पे भी ऐड किया था, इसमें मैंने कोई एडिशन्स नहीं किया, बस जो था अपना फ्यूचर्स में प्ले किया था, वहाँ तो मैं ऑप्शंस में करता हूँ तो वहाँ थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, सीधी सी चीज़ है। अब ये मैंने टारगेट क्यों रखा, क्योंकि ये प्रीवियस डे लो था, ठीक है, एंड मूव बहुत एक्सटेंड हो गया था। ठीक है, अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर 440-432 के अराउंड मूव था, मतलब जहाँ पर मेरी एंट्री थी, एंड मूव गया है 240 के अराउंड तक,
ठीक है ना। अभी नीचे का मैं नहीं गिन रहा हूँ, ये 180 तक जो भी है ठीक है, आप तो सारा मूव नहीं ले सकते। तो सीधा सा मूव था, मैंने सब कुछ टेलीग्राम पे साफ साफ लिखा है कि मैंने कब बुक किया था, क्या टाइम स्टैम्प जाके देख सकते हैं, इससे आप वेरीफाई कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा ठीक है। तो ये तो मेरा आज का ट्रेड था। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि ये जो इतना मूव आया था इसका मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट ठीक है। अब इसके दो मतलब हो सकते हैं। पहले मैं दूसरे मतलब की बात करता हूँ। दूसरा मतलब ये है कि जो स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं, कुछ हैं, उन्होंने यहाँ पर बुकिंग करना शुरू कर दी है, एक तो ये हो सकता है ठीक है। एंड सब्सिक्वेंट जो अब हमारे लोअर हाइज लगेंगे या कुछ लगेगा, उस पर बुकिंग चालू होगी या फिर नए शॉर्ट्स बनाए जाएंगे, एक तो ये इक्वेशन है। अब दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी ये है। अब मैं आपको इसको समझाने के लिए एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, ये कैलकुलेटर है ठीक है, सीधा सा कैलकुलेटर। आप बोलोगे यार ये क्या है, तो नॉर्मल सी चीज़ है। अब सोचो कि बस दुनिया में 50 कैलकुलेटर है और बस ये डिटेल आपको पता है और किसी को नहीं पता ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपको 50 कैलकुलेटर खरीदने हैं बट इसके पहले से ग्राहक हैं, क्लियर है। तो आप क्या करोगे, 50 कैलकुलेटर ठीक है 200 रुपए के हैं, यहाँ पर जो मैंने अभी आपको 50 दिखाए, यहाँ पर यही कैलकुलेटर हो जाते हैं लेट से कितने रुपए के, 500 रुपए के ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया, मुझे अगर कोई चीज़ खरीदनी है मार्केट में तो अवेलेबल भी तो होनी चाहिए। तो अगर लॉट्स हैं, मुझे 50 लॉट खरीदने हैं तो मार्केट में कोई बेचने वाला भी तो होना चाहिए। मार्केट ऐसी चलती है ना, अगर मैं खरीदूंगा तो कोई बेचने वाला भी होना चाहिए। अब ये लोग को 30-40 लॉट पे तो ट्रेड करते नहीं है, ये लोग ट्रेड करते हैं लाखों लॉट्स में। अब लाखों लॉट्स के लिए उतनी वॉल्यूम एट दैट प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम होनी चाहिए ठीक है। अब अगर इन्होंने एक बारी में यहाँ पर लाख लॉट लिए तो वो ट्रेड बुक में आ जाएगा, ट्रेड बुक में आ जाएगा तो जो उनका कॉम्पिटिशन है वो पता कर लेगा कि भाई ये बंदा मार्केट गिरा रहा है, इसके अगेंस्ट प्ले करो ठीक है। तो वो चीज़ वो चाहते नहीं है, तो वो क्या करते हैं, अपने ऑर्डर्स को हाइड करते हैं, धीरे 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 करके ऑर्डर्स डालते जाते हैं ठीक है। उनका एम क्या होता है, उनका एम ये होता है कि उनको खरीदना, फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला था, उनको 50 कैलकुलेटर खरीदने थे, 500 की प्राइस हो गई ठीक है, पंप कर दिया आधी जनता को ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने बिडिंग वॉर शुरू करवा दिया ठीक है, कि 200 का दे दो, 250 का दे दो, 300 का दे दो, जो भी है। तो जो जनता है वो बेचती जा रही है यहाँ पर फटाफट, डर के मारे कि यार कोई खरीद रहा है, दे देते ना अभी, अपने को क्या ज़रूरत है ठीक है। तो उन्होंने निकालना शुरू कर दिया इधर, क्लियर। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर उन्होंने बाइंग करी जा सकती है, क्योंकि जिस बंदे को 17,500 पे मान लो 1,00,000 लॉट लेने थे, फॉर एग्जांपल उसने प्लान किया था, उसने सोचा यार अगर यही चीज़ मुझे 17,200 पे मिल जाए तो कितना मज़ा आ जाए। अब यहाँ पर हम 2 लॉट, 4 लॉट, 10 लॉट, 20 लॉट की बात नहीं कर रहे, 1,00,000 लॉट की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, समझ रहे हैं बात। 1,00,000 लॉट अब इंटू 50, तो सोचो पर 1 रुपए पे मूवमेंट क्या होगी, 50-60 लाख की ठीक है। तो ये इसका मतलब है, ऑलराइट। तो ये जो मूव है, दिस कैन ऑल्सो बी अ शॉकर मूव, जो कि बेसिकली वीक प्लेयर्स को हटाने के लिए है ठीक है ना। मैंने जो कैलकुलेटर वाला उदाहरण दिया था उसका मेन पर्पस ये था कि उन्होंने बेसिकली क्या किया है, जो मार्केट में जो अवेलेबल लिक्विडिटी थी ठीक है, उसको बनाने के लिए उन्होंने मूव गिराया है, जिससे लोग अपनी चीज़ बेचें और वो खरीद लें लोअर प्राइसेस पे। एक ये चीज़ हो सकती है जिसको हम ऑक्शन प्रोसेस भी बोलते हैं ठीक है। या फिर मैंने आपको ये दोनों एग्जांपल्स बता दिए, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट लॉजिक हमेशा आपके पास क्लियर रहना चाहिए कि चल क्या रहा है मार्केट में, क्लियर ठीक है। अब बात करते हैं कल की, कि अब कल का गेम क्या है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक बार जो भी चार्ट पे मैं सब हटा देता हूँ ठीक है, मैं ये भी हटा देता हूँ पिविट्स नाउ। अब मैंने आप लोगों को एक दूसरी चीज़ भी बताई थी कि हम फिबोनाची कब लगाते हैं, तब लगाते हैं जब कोई एक ट्रेंडिंग मूव आता है ठीक है। तो ये ट्रेंडिंग मूव आया है, सीधी सी बात है ठीक है। तो ट्रेंडिंग मूव के अंदर मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है 50%, सबसे इंपॉर्टेंट, बाकी सब सेकेंडरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है 50%। तो 50% कहाँ आता है, 17,350 ले लेते हैं। तो बेसिकली ये 350 मेक और ब्रेक जोन है। तो कल अगर मार्केट यहाँ पर खुली और यहाँ से ब्रेक होना चालू हो गई ठीक है, तो मैं सम सॉर्ट ऑफ शॉर्ट पोजीशन बनाने में इंटरेस्टेड हूँ ठीक है। बिकॉज यहाँ पर एक प्रेशर पॉइंट मार्केट का बन गया है ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने मार्केट गिराई तो कल ही वो मार्केट को ऊपर ले जाएंगे, दे कैन वेट फॉर मैनी डेज ठीक है ना, उनको कोई टेंशन नहीं है। मान लो इस पूरे फॉल के अंदर उनको 1,00,000 लॉट ले लेते हैं, उन्होंने यहाँ पर 20,000 ले लिए, थोड़ा सा और फॉल आ जाएगा वो और उठा लेंगे ठीक है ना। तो ये छोटा मोटा गेम तो उनको खेलना पड़ेगा हम जैसे लोगों के साथ, जिससे हम लोग बेचें और वो लोग खरीदें, ये वाली गेम चल रही होती है पूरे टाइम। तो ये आपको समझना है इस चीज़ को, इसमें क्यों ये सब नहीं करना, इसमें लॉजिक लगाना और उसको समझो ठीक है। तो एक जोन तो ये हो गया 17,350। अगर हम लोग फॉर एग्जांपल कहीं भी ओपन नहीं होते हैं,
आसपास ही रहते हैं तो ये इसका मतलब है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ मैं बोलूँगा कि ये जोन तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, इसके ऊपर ही मेन ट्रेंड आएगा। और एक जो अच्छा ट्रेंड है ना, अगर हमको यहाँ मिल जाए कोई मूव, अगर आपको यहाँ नहीं लेना तो आप वेट करिए इस मूव के लिए, और यहाँ पर अगर कोई टर्न अराउंड मिलता है हम लोगों को तो दिस इज़ वेरी गुड प्ले। और ये जोन आता है 17200 पे, ये जोन है 17350 पे, और ये जोन है आपका 17500, ठीक है ना। तो बेसिकली वी हैव थ्री जोन्स जहाँ पर हमें ऑपरेट करना है, इसके अलावा कोई और जोन्स नहीं है, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऑपरेट करने वाले हैं, इनके अलावा और कहीं ऑपरेट नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो ये तीन जोन्स हो गए, यहाँ पर आप प्ले करिए। अब बात करते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में, एक सेकेंड, ठीक है। अब बैंक निफ्टी में राइट, आप ये देख सकते हैं बैंक निफ्टी में क्या गेम थी। बैंक निफ्टी के अंदर सम सॉर्ट ऑफ राउंडिंग बॉटम बना रहा था, बट इसको ब्रेक नहीं किया यहाँ पर, ठीक है, और मार्केट ने क्या किया, फॉल दे दिया। तो बेसिकली क्या हुआ है यहाँ पर, यहाँ पर एक कॉन्ट्रा मूव आ गया है बैंक निफ्टी में, ठीक है। पूरी दुनिया इस फॉल को देख रही है, बेसिकली राउंडिंग बॉटम को देख रही है, इस नेकलाइन को देख रही है, ठीक है। अब बहुत लोगों ने यहाँ पर बाइंग भी की है, ट्रैप भी हुए हैं, एंड देन क्या हुआ, एक वी वैप से रिवर्स मूव आ गया, एंड देन वी हैड अ ग्रेट फॉल, ठीक है ना, क्लियर। तो यहाँ पर वाली गेम हो गई। एंड इसके नीचे मतलब बेसिकली मैं तो निफ्टी देख रहा था, मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं किया आज, ठीक है। अच्छा खासा फॉल आया, अब हम आसपास सपोर्ट देख लेते हैं एक बार कि हमारे सपोर्ट जोन्स कहाँ कहाँ पर हैं, ठीक है। ऑलराइट, अब इसका 50% भी हम ले लेते हैं एक बार, जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। अब देखो आप एक चीज़ नोट करिए, यहाँ पर भी मार्केट ने सपोर्ट लिया था, यहाँ पर भी मार्केट ने सपोर्ट लिया। अब मार्केट ने क्या किया है, इस जोन को क्रॉस किया, इधर रेजिस्टेंस लिया, इसको दोबारा क्रॉस करने की कोशिश की, और बंद इसके अराउंड ही हुआ है, क्लियर है। तो एक चीज़ तो क्लियर होगी कि ये जो जोन है ना, अब ये मेक और ब्रेक का काम करेगा, एंड सेकेंडली ये जोन आपका 50% भी है, ठीक है। तो ये 50% आता है आपका 37800 पे, ये तो क्लियर है। अब हम लोगों को क्या देखना है, अगर मार्केट इसके ऊपर मूव करती है तो हम लोग एक बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है, बट थोड़ा क्वांटिटी कम रखिएगा बिकॉज ये फॉल थोड़ा बड़ा है, तो उस हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। एंड इसके नीचे अगर मूव करती है, इस लास्ट पुल बैक के नीचे अगर मूव करती है, तो देन अगेन मार्केट इसको चेक करेगी, ठीक है। ये जोन के ऊपर बाइंग आएगी, एंड इधर मैं बाइंग के बारे में सोचूंगा, ठीक है। ये जोन है आपका 37300, दिस जोन मैंने आपको बता दिया 800, एंड ये जो जोन है दिस इज 38200। तो ये आप थ्री जोन्स इधर आपको प्ले करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बेमतलब में अपना टाइम वेस्ट इधर 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 कहीं मत करना, कोई पॉइंट नहीं है, कटते रहोगे कोई फ़ायदा नहीं है। डे ट्रेडिंग का मतलब होता है प्रिसाइज एक्शन लेना, हर जगह भांड की तरह भागने का कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है ना। तो ट्राई टू बी प्रिसाइज वेर एवर यू वर्क, यू हैव टू वर्क लाइक अ सर्जन और अ स्नाइपर, ठीक है, प्रिसाइज एक्शन लेना है, क्लियर। सो आई होप दिस वॉज यूजफुल, एंड दिस इज इट। कोई मैंने स्टॉक सेलेक्ट नहीं किया आज यार, थोड़ा सा मेरे को काम था तो मैं कोई स्टॉक्स नहीं देख रहा हूँ, तो मोस्ट प्रॉब्ली निफ्टी बैंक निफ्टी ही देख रहा हूँ मैं। और सेकेंडली कल फ्राइडे है, सो आई डाउट कि फ्राइडेज़ को जनरली थोड़ा सा एक्शन कम होता है, ठीक है, तो इसलिए मैं वैसे भी अपनी कम क्वांटिटी पे ही प्ले करूँगा। ऑलराइट, एंड दूसरी चीज़ ये है कि वो RBI की पॉलिसी वाली सीन वो भी चीज़ चल रही है, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा स्टॉक्स में भी मैं कमी हूँ अभी, ठीक है। तो अभी जो है निफ्टी बैंक निफ्टी है, उसके अंदर ही ट्रेड करेंगे। एंड आप लोगों को अगर ये फिबोनाची प्राइस एक्शन ये सब नहीं समझ में आया, या अभी भी कच्चे हो आप इस चीज़ के अंदर, तो मैंने पूरा कोर्स बना रखा है, उसको 10 बार देखो, आपको समझ में आएगा। बहुत सारी चीज़ें क्लियर की हैं विद आपके एग्जांपल्स हैं, स्ट्रैटेजी भी समझाई है, सब कुछ समझाया है। आप जाके देखिए एक बार, पूरे कोर्स को फॉलो करिए, मुफ्त है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको अच्छा लगेगा। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड मुझे ज़रूर बताना कॉमेंट सेक्शन में वीडियो कैसी लगी। एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।